नमस्कार, आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक वायरल डिजीज के बारे में जिसका नाम है मोलस्कम कॉन्टेजियोसम। मोलस्कम कॉन्टेजियोसम एक बहुत कॉमन इलनेस नहीं है। ये रोग 1 से 10 साल की उम्र के बच्चों को सबसे अधिक होता है, लेकिन इससे अधिक उम्र के लोगों को भी मैंने देखा है कि ये रोग हो सकता है। ये एक वायरल डिजीज है और वायरस का जो नाम है वो है मोलस्कम कॉन्टेजियोसम वायरस। ये एक तरह का पॉक्स वायरस है। तो वायरल डिजीज, जैसा कि आप जानते हैं, ये बहुत ही कॉन्टेजियस होती हैं। ये रोग भी अत्यधिक कॉन्टेजियस है, यानी कि तेज गति से फैलता है। और फैलता है कैसे? संपर्क में आने से। अगर संपर्क में कोई किसी मोलस्कम के पेशेंट के आ गया है बच्चा, तो उसको हो जाएगा। बिना संपर्क के ये रोग नहीं होता। जिस व्यक्ति को हो गया है उसको अपनी बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी ये रोग हो सकता है। जो लोग साबुन या टॉवल या कपड़े शेयर करते हैं, एक ही बिस्तर में ज्यादा लोग सोते हैं, उनको आपस में ये रोग होने के चांसेस कहीं ज्यादा होता है। मोलस्कम दिखने में एक छोटा दाना, जो कि सुई की नोक की जितना दाना से लेकर के पेंसिल के जो हेड ऑफ पेंसिल है उतना बड़ा तक भी हो सकता है। ये डोम शेप में होता है, यानी कि गोलाई लिए हुए होता है। जो इसका इरप्शन है वो गोलाई लिए हुए होता है, 1, 2, 3 से लेकर के सैकड़ों की संख्या में बॉडी पर ये हो सकते हैं। चेहरे पे, आंखों की पलकों पे, गर्दन पे, बाजू पे, टांगों पे, धड़ पे, कहीं भी ये हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये केवल एक्सपोज्ड या अनएक्सपोज्ड एरिया कहाँ पे होगा, ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। इसमें कोई पेन या खुजली वगैरह नहीं होती। पेन और खुजली नहीं होने के कारण शुरू में लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन जब संख्या में ज़्यादा हो जाता है, दिखने में बुरा लगता है, तब लोग हमारे पास आते हैं। जिसने इनको पहले से अनुभव नहीं किया है, उनके लिए तो इसको डायग्नोस करना मुश्किल रहता है। अब डॉक्टर के पास जाकर के जब आप दिखाएंगे तो अनुभवी डॉक्टर आसानी से इसे पहचान लेते हैं। और मैं आपको इसको पहचानने की एक टिप बता रहा हूं कि इसके सेंटर में एक डिंपल होता है जिसका कलर बाकी सारी डोम की तुलना में डिफरेंट रहता है। जो वो बाकी सारा डोम है, इनके उभार है, वो उभार स्किन के कलर का ही होता है। और बहुत ही स्लो प्रोग्रेसिंग इलनेस है ये। एक बार शुरू होने के बाद में कुछ दिन, महीने और साल तक वो रह सकता है। तो पकने वाले एक्ने या फुंसी की तरह या फोड़े की तरह नहीं है जिसमें दर्द हो, ये कुछ अलग हो गया। ये मस्से की तरह भी नहीं है जो काफी हार्ड और रफ होता है। ये मस्से की तरह भी नहीं है, पिंपल्स या एक्ने की तरह भी नहीं है। ये अपने आप में एक अलग ही डोम शेप इरप्शंस होते हैं। लोग इन्हें पानी वाले मस्से भी कहते हैं। अब ये नाम मैंने लोगों से ही सुना है, तो मैं भी आपको शेयर कर देता हूं, ये मस्से एक्चुअली है नहीं मस्से, लेकिन ठीक है, जो भी नाम दें, हम तो इनको मोलस्कम कॉन्टेजियोसम ही कह के पुकारेंगे। ये डिजीज महीनों और साल तक भी रह सकती है, बॉडी के लार्जर एरिया को कवर कर सकती है, जहां दूसरे कोई भी पद्धति के इलाज में या तो इसका इलाज है ही नहीं, और अगर उसका इलाज करते भी हैं तो कॉटराइजेशन, उनको केमिकल बर्न या इस तरह से करके करते हैं और उसके स्कार फॉर्मेशन हो जाते हैं, यानी कि निशान रह जाते हैं। होम्योपैथी के इलाज से जब ये ठीक होते हैं तो इनके निशान नहीं बनते, यानी कि ये पूर्ण रूप से और स्थायी रूप से होम्योपैथी के इलाज से ठीक हो जाते हैं। आप अपने स्तर पे क्या करें तो ये बीमारी दूसरे बच्चों में ना फैलें या आपके अपने शरीर में ना फैले, तो इसे छेड़ना नहीं है, इसको दबा करके इसका फ्लूड निकालने की कोशिश नहीं करनी है। हालांकि आसान नहीं है, मुश्किल है,
लेकिन फिर भी अगर कोई जबरदस्ती इसको प्रिक करने के कोशिश करे तो जो इसमें निकलने वाला डिस्चार्ज है वो हाईली कंटेजियस होता है। नाम ही इसका ऐसा है, मोलस्कम कॉन्टेजियोसम। कॉन्टेजियस का मतलब है कि ये निकलने वाला डिस्चार्ज अत्यधिक वायरस से भरपूर है और जहां भी टच करेगा किसी दूसरे को या खुद के बॉडी पे वो डिजीज पैदा कर देगा। ये रोग किसको होता है? सिंपल है, कोई भी रोग उसी को होगा जिसका अपना इम्यून सिस्टम पुअर है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी कमजोर है। तो वो बच्चे जिनको पुअर इम्यूनिटी है होने के चांसेस ज्यादा है। होम्योपैथिक इलाज देने के लिए हम लोग केवल मोलस्कम है ये दवाई दे दो ऐसा नहीं होता है। हम जिस व्यक्ति को ये तकलीफ है, खास करके जिस बच्चे को ये तकलीफ है, उसकी प्रकृति को देखते हैं, उसकी स्वभाव को देखते हैं, उसके शरीर में अन्य क्या रोग है उसको देखते हैं, वो सब कुछ ध्यान में रख के मेडिसिन का चुनाव किया जाता है। और जो मेडिसिन्स कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, मैं उनका नाम आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो मेडिसिन्स हैं ट्यूबरकुलिनम, सल्फर, थूजा, एंटीमोनियम क्रूड, कल्केरिया कार्ब, रस्टॉक्स, पल्साटीला और सीना आदि। ये दवाइयां बच्चे की प्रकृति और मोलस्कम के खुद के लक्षण, इन सब को ध्यान में रख के इनमें से कोई दवाई चुनाव की जाती है और उस दवाई को कुछ दिन देने से ये ठीक हो जाते हैं। मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूं एक बच्चे के पेरेंट्स से, बच्चा भी साथ में है। ये मेरे पास कुछ समय पहले मोलस्कम की समस्या को लेकर आए थे और बहुत जल्दी एक महीने के आसपास के इलाज से ये बच्चे के जो बॉडी पे एक बाजू पे बहुत सारे मोलस्कम थे जो चले गए, और ये बच्चा मेरे पास उसके भी कुछ समय के बाद कुछ दूसरी समस्या के लिए लेके आया गया था। तो मैंने उनकी ये जो टेस्टिमोनी वीडियो है वो रिकॉर्ड कर ली थी, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या नाम गुड़िया का? दक्षिता यादव। क्या तकलीफ थी तब इसके? इसके मुंह सो रहे थे पूरे हाथों में, इस हाथ में पूरे में ऊपर तक पूरा। कोई याद है कितनी संख्या थी? एक हाथ के करीबन 15-20 से ज्यादा थी। 15-20? हाँ। दोनों हाथों में थे? इस हाथ भी ज्यादा थी, एक हाथ में ये पूरा हाथ, ये कंधे तक, यहाँ तक था पूरा। कहाँ तक थे बेटा? यहाँ तक थे पूरा हाथ पे। और वो कितने समय से थे? वो थे करीबन 5-6 महीने से, मतलब वो बढ़ते गए, पहले एक दो गए, फिर मतलब बढ़ती गई उनकी संख्या। 2 साल से थे? हाँ ज्यादा थे, मतलब उस टाइम 2 साल से थे, ये 4 साल के। वो बिल्कुल बारीक बारीक निकले थे वो, तो दो साल से, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मतलब उनकी एक हुआ, दो हुआ, जैसे करके 15-20 हो गए थे। क्या ठीक है, वो जो थे ना मस, जिसको आप कह रहे हो, ये मस नहीं, मोलस्कम कॉन्टेजियोसम नाम की तकलीफ थी। मोलस्कम थे वो, मोलस्कम आपने देसी भाषा में मुस बोल देते हैं, कह देते हैं पानी वाले मुस बोल देते हैं हमको, लेकिन ये पानी वाले ठीक है, वो तो कुछ भी बोलो, नाम से क्या फर्क पड़ता है। तो वो थे मोलस्कम कॉन्टेजियोसम। कितने दिन के इलाज में ठीक हो गई थी ये? 15 दिन की, 1 दिन दिला के लेके गए थे शुरू के अंदर, और फिर दूसरी बार मैं आया था जब, वो 15 दिन की होती, मतलब 1 महीना। हाँ, 1 महीना आपने इलाज लिया था। हाँ, 1.5 से 1.5 महीना हम केवल दवाई दी थी। हाँ, उसके बाद में कोई उस तरह का निकला इसको दाना मोलस्कम का? एक भी दाना नहीं है, चकते भी साफ हो गए ना ये, नहीं इसमें पूरा बिल्कुल निशान भी नहीं पड़े, देख रहा हूँ वो ही नहीं दिख रहे। यही तो कह रहा था मैं आपसे, ये पूछा था मैं डॉक्टर साहब, वह ये था कि मिटेंगे नहीं मिटेंगे, पूरा साफ भी होंगे नहीं होंगे। आपने कहा कि यार इसके जितना तुरंत असर हुआ है ना, मतलब पहला पेशेंट देखा मैंने, इतने जल्दी काम हाँ। होता है ये, धीरे धीरे ठीक होने वाली है। इतना जो वंडरफुल रिजल्ट मिला तो इसमें मिला था, फिर मुझे भी खुशी है कि ये ठीक हुई, इसके मोलस्कम ठीक हुए। जब तो मैं लेके आया हूँ अभी मैं कि चलो अब इसका वेट है, बस अब धीरे धीरे कुछ खाएगी जब बढ़ेगा, अभी वेट की है। रोग जब भी रहता है ना तो बच्चे की हेल्थ कमजोर हो जाती है। तो देखा आपने किस तरह से होम्योपैथिक इलाज देने से ये बच्चे के मोलस्कम कॉन्टेजियोसम बहुत ही जल्दी ठीक हो गए।
कुछ लोगों में वक्त अधिक लगता है क्योंकि ये स्लो प्रोग्रेसिंग वायरल डिजीज है। होम्योपैथिक इलाज वायरल डिजीज में बहुत इफेक्टिव है क्योंकि होम्योपैथिक इलाज नेचुरल हीलिंग पावर को एक्टिवेट कर देता है। उसी कारण ये जो वायरल डिजीज है ये भी होम्योपैथिक इलाज से बहुत ही शानदार तरीके से ठीक हो जाती हैं। मैं डॉक्टर ए के लाडुना आपको खुश रहने की, स्वस्थ रहने की और लंबी उम्र जीने की कामना करता हूँ। धन्यवाद।